नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्कूल में खाने के बाद बच्चे बर्तन धो रहे, हैंडपंप की कमी में दूर से पानी लाकर एक बाल्टी में बर्तन धो रहे बच्चे। सिंगरौली के एक शासकीय प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा की व्यवस्था पर एक घातक मामला सामने आया है, जिसमें बच्चे खाने के बाद खुद ही अपने बर्तन धो रहे हैं। इन बच्चों को भोजन करने के बाद उन्हें खुद ही अपने बर्तन साफ करने का काम करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन फिर भी यह लापरवाही बंद होने का नाम नहीं ले रही है। सिंगरौली जिले के इस सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना पहुँचाया जाता है, लेकिन इसके बाद बच्चों को खुद ही अपने बर्तन धोने पड़ रहे हैं। स्कूल में हैंडपंप है, लेकिन उसमें पानी की कमी होती है। इसके चलते स्कूल के छात्रों को बर्तन धोने के लिए पानी दूसरे स्थान से लाना पड़ता है और इस पानी का उपयोग वे अपने बर्तन धोने के लिए करते हैं। एक बाल्टी के पानी में धोते हैं बर्तन। इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि सिंगरौली जिले के हर्रा बीरान गांव में स्थित सरकारी प्राथमिक पाठशाला में यह स्थिति दिन प्रतिदिन चल रही है। छात्रों को स्कूल में खाने के बाद अपने खुद के बर्तन साफ करने का काम करना पड़ता है। इस खबर से दुखी होकर छात्रों का कहना है कि यह कोई पहला मौका नहीं है कि उन्हें बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब से स्कूल में पढ़ने आए हैं, तब से ही इस तरह का काम कर रहे हैं। इस स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी SB सिंह ने कहा कि वे इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। सिंगरौली जिले के इस सरकारी प्राथमिक पाठशाला की सड़क पर लाइन में खड़े बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील खाने के बाद खुद ही अपने बर्तन धोने पड़ रहे हैं, जिसमें थाली, कटोरी, चम्मच और अन्य बर्तन शामिल हैं। इसके अलावा स्कूल के पास हैंडपंप तो है, लेकिन उसमें पानी ही नहीं है, इसलिए स्कूल के मासूम बच्चे नेशनल हाईवे रोड क्रॉस कर पानी दूसरे जगह से बाल्टी में लाते हैं और इसी पानी का उपयोग वे स्कूल के सारे बर्तनों को साफ करने के लिए करते हैं। छात्रों का कहना है कि यह समस्या पिछले कई महीनों से है और उन्होंने इसे स्कूल प्रशासन के ध्यान में भी प्रकट रूप से लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इस समस्या के बारे में जिलाधिकारी SP सिंह ने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच कराने का आदेश दिया है और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि छात्रों को स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील खाने के बाद उन्हें अपने बर्तनों को साफ करने का काम नहीं करना चाहिए। शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल आने वाले बच्चों को नियमित रूप से मिड डे मील आहार तो मिल रहा है, लेकिन नौनिहालों से बर्तन धोने का काम कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग को उचित कदम उठाना चाहिए, ताकि स्कूल के छात्रों को उनकी शिक्षा का ठीक तरीके से और सुरक्षित रूप से लाभ मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।